हाय गाइस, मेरा नाम शिवम है और मैं आज के लेक्चर में आपका वेलकम करता हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे सॉर्टिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉर्टिंग, जैसे कि यहां पे गिवन है, गिवन अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, अरेंज देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स। आप नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, इसको ही सॉर्टिंग कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे गिवन है, आपको एक इनपुट एरे गिवन है, एक इनपुट लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है, जिसमें 5, 6, 2, 3, 1, 4 हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये किसी ऑर्डर में नहीं है, यानी कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। तो जब आप इस एरे को सॉर्ट करेंगे, तो आपका आउटपुट एरे कुछ ऐसा दिखेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन नंबर्स को अरेंज कर देंगे आप। सॉर्टिंग कंप्यूटर साइंस की फील्ड में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि यहाँ पे दो मेंशन्ड हैं, आपके फ़ोन में जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नेम्स होते हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में होते हैं। सिमिलरली डिक्शनरी में भी जो वर्ड्स होते हैं वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में होते हैं, जिसकी वजह से आप सर्च जो है काफ़ी ईजीली कर पाते हैं। सिमिलरली कोर्स के एंड में जब आपको ग्रेड्स असाइन होंगे, तो आपके मार्क्स को भी सॉर्ट किया जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि सॉर्टेड एरे के साथ आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलती हैं। हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया है कि सॉर्टेड एरे में किन ऑपरेशंस को आप काफ़ी फास्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशनड है, सर्चिंग फॉर अ की इज फास्ट। हमने देखा है बाइनरी सर्च में हम सॉर्टेड एरे में जो कि एन साइज का हो, लॉग एन ऑपरेशंस में ही अपनी की को ढूंढ पाते हैं। सिमिलरली रैंक क्वेरीज, जहां पे आपको kth लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट वैल्यू को निकालना हो। मान लीजिए आपकी वैल्यूज कुछ ऐसी हैं, 1, 2, 3, 5, 7, 9, और ये यहाँ पे एक सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो अगर आपको थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू को निकालना है, तो आप डायरेक्टली थर्ड पोजीशन पे जाके उसे पिक कर सकते हैं। सिमिलरली क्वांटाइल्स को भी फिगर आउट करना काफ़ी इजी हो जाता है आपके सॉर्टेड एरे में। 90% को हम कुछ ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, द की वैल्यू इन द एरे सच दैट 10% ऑफ द नंबर्स आर लार्जर देन इट। यानी कि 90% हम उस मार्क को कहेंगे जिससे सिर्फ 10% नंबर्स ही ऊपर हो। तो फॉर एग्जाम्पल हम इस एरे को देखते हैं, मान लीजिए ये कुछ स्टूडेंट के मार्क्स हैं जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में है और इसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं है। अब अगर हमें 90% को देखना है, तो हम कह सकते हैं कि 90 जो मार्क है वो 90% को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 एलिमेंट्स हैं, तो 90 के ऊपर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, यानी कि 10% ऑफ द टोटल एलिमेंट्स। सिमिलरली 80% पे आपका 85 आ जाएगा, 10% पे 40 और 50% पे 70। 50% को हम एक स्पेशल नेम से डिनोट करते हैं, जो कि है मीडियन, यानी कि आधे नंबर्स उस नंबर से ऊपर होंगे और आधे उससे छोटे होंगे। अब हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जो कि है कि सॉर्टेड एरे में किन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में हमें डिफिकल्टी होती है। जैसे कि अभी हमने देखा, सर्च ऑपरेशन काफी फास्ट तरीके से आप कर सकते हैं अगर आपका एरे सॉर्टेड हो, बट कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिनको सॉर्टेड एरे में करना मुश्किल होता है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसके बारे में खुद भी सोच सकते हैं। वन ऑफ सच ऑपरेशंस इज इंसर्टिंग अ न्यू एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे। ऐसा क्यों है, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए ये आपका सॉर्टेड एरे है, नंबर्स जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब आपको इस एरे में 65 को ऐड करना है, बट उसे इस तरीके से ऐड करना है कि आपका सॉर्टेड स्ट्रक्चर जो है वो प्रिजर्व्ड रहे। तो यहाँ पे अगर आपको 65 को इंसर्ट करना है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी पड़ेगी वो ये है कि 65 इस एरे में रहेगा कहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 एंड 70 के बीच में आपको 65 एलिमेंट को प्लेस करना है। पहले आप इस पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे। इस पोजीशन को फाइंड करने के लिए आप बाइनरी सर्च का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल एरे आपका सॉर्टेड है। सेम चीज़ को हमने यहाँ पर भी दिखाया है कि आपकी पोजीशन 60 एंड 70 के बीच में रहेगी। एक बार आपने इस पोजीशन को देख लिया, तो आपको एरे में स्पेस बनानी पड़ेगी जहां पे आप 65 को रखेंगे। उसके लिए आपको इन सभी एलिमेंट्स को एक पोजीशन से शिफ्ट करना पड़ेगा, जो कि आपको यहां पे हमने दिखाया है कि आपने एक एम्प्टी स्लॉट क्रिएट किया, जिसके लिए आपने सब एलिमेंट्स को एक पोजीशन से राइट में शिफ्ट कर दिया। अब ये ऑपरेशन के बारे में आप सोच सकते हैं कि इन वर्स्ट केस आपको n माइनस वन एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है आपको फर्स्ट पोजीशन पे नंबर को इंसर्ट करना हो, उसके लिए आपको सभी एलिमेंट्स को एक स्पेस से शिफ्ट करना पड़ेगा। इसलिए ये ऑपरेशन काफी ज्यादा टाइम ले सकता है। इन वर्स्ट केस प्रोपोर्शनल टू n स्टेप्स आपको लग सकते हैं नंबर्स को शिफ्ट करने में, इसलिए सॉर्टेड एरे में इंसर्ट करना डिफिकल्ट होता है।
अब लास्ट स्टेप में जब आपने स्पेस बना ली तो आप 65 को इस स्लॉट में रख देंगे। सिमिलर टू इंसर्शन आप डिलीशन के बारे में भी सोच सकते हैं। अगर आपको किसी नंबर को डिलीट करना पड़ता, मान लीजिए आपको इस एरे में 75 को डिलीट करना होता, तो आप 75 को यहां से हटाते और फिर इन सभी नंबर्स को एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट करते। इसलिए इन बोथ दी केसेस वी नीड टू शिफ्ट दी एलिमेंट्स राइट और लेफ्ट, इसलिए सॉर्टेड एरे में इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करना डिफिकल्ट होता है। सॉर्टिंग, जैसे कि हमने कहा, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में एक काफी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जिसपे काफी रिसर्च हुआ है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स हैं जिनके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, बबल सॉर्ट। ये कुछ स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड टेक्निक्स हैं जिनसे आप एक अनसॉर्टेड एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। ये अलग अलग एल्गोरिदम्स अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए हो सकता है ज्यादा सूटेड हो। किसी प्रॉब्लम में सिलेक्शन सॉर्ट ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करे और किसी और में बबल सॉर्ट। इसलिए ये सब टेक्निक्स को समझना इंपॉर्टेंट है। इन टेक्निक्स के अलग अलग रन टाइम है, अलग अलग मेमोरी रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि जितने वो वेरिएबल्स यूज करते हैं ये सब इन एल्गोरिदम्स में अलग अलग हो सकता है। तो आगे आने वाले कोर्स में हम सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने सॉर्टिंग को अच्छे से समझा। अब आगे आने वाले वीडियो में हम सॉर्टिंग के कुछ एल्गोरिदम्स जैसे कि सिलेक्शन सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट उन्हें और डिटेल में समझेंगे। थैंक यू।